नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत रविवार को महेश्वर में पुरानी पेंशन नीति को लागू करने को लेकर प्रभावी प्रदर्शन किया गया। प्रदेश भर के कर्मचारियों के जमावड़े ने महाकुंभ का रूप ले लिया। यहां वक्ताओं ने कहा कि नई पेंशन नीति पूर्ण शेयर मार्केट पर आधारित है। वर्तमान में न्यू पेंशन स्कीम में राज्य सरकार और कर्मचारी द्वारा 10-10% अंशदान जमा करवाया जा रहा है, जिसका सीधे ही कॉरपोरेट द्वारा इसका उपयोग शेयर मार्केट में किया जा रहा है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर पेंशन शेयर मार्केट पर आधारित होने के कारण कोई निश्चित गारंटी नहीं है, इसलिए कर्मचारी वर्ग द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। इस दौरान जिले भर का सहित अन्य स्थानों में आए हजारों की तादाद में शिक्षकों ने शिरकत की। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ओपीएस के बैनर तले पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन चल रहा है। उसी क्रम में आज महेश्वर में एक विशाल पेंशन महाकुंभ हमारे परमान डहरिया जी और हमारे दिनेश पटेल और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह का मेहनत करके और एक नया स्वरूप दिया है मध्य प्रदेश में, और हमारी अपनी जानकारी जहां हो सकता मेरी जानकारी अल्प हो, मध्य प्रदेश में एक साथ सारे संगठनों को आमंत्रण देना और सारे लोगों ने साथ आना, ये अपने आप में अद्भुत बात है। और ये सरकार को समझना चाहिए कि पेंशन मुद्दे पे हम सब एक हैं और एक होकर लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जैसे 3 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल की गई है, वैसे मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, अन्यथा हम इसी तरह से कार्यक्रम को जागरूकता पैदा करेंगे और भोपाल एक चढ़ाई करेंगे। और जब भोपाल चढ़ाई होगा तो ना मुख्यमंत्री आवास बचेगा और ना मुख्यमंत्री निवास होगा जहां पर जन सैलाब ना उमड़े। और अभी तो विनम्रता अपील है कि वो पुरानी पेंशन बहाल करें। आगे भी आपकी मांगे नहीं मानी जाती? नहीं मानी जाती तो 23 में विधानसभा का चुनाव है, 6.5 लाख लोग हम लोग हैं, परिवार को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सरकारों को बनाने बिगाड़ने की स्थिति में भी चले जाएंगे। और हमारे मुद्दे को अगर जो नहीं बनाएगा हम उसको भी नहीं बनाने की स्थिति में होंगे। और कई राज्यों में हमने करके दिखाया है, पोस्टर बैलेट में उत्तर प्रदेश से जो आंधी चली है पूरे देश में गूंज रही है। वोट फॉर ओपीएस हम चला रहे हैं, हिमाचल में भी चला रहे हैं, गुजरात में चला रहे हैं, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी चलाएंगे। और जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, सीधी सी बात है। इसीलिए सरकार को आज चेतावनी स्वरूप है, महाकुंभ है, इस बात को समझें कि ये लाखों कर्मचारी कहां का है, मध्य प्रदेश का है, अलग से कहीं नहीं आया है। यही का सरकार का आंख नाक कान होता है, जिनके दम पर आप विकास के आंकड़े देते हैं, जिनके दम पर आप देश का प्रदेश का विकास करते हैं, वो सारी चीजें जब उन्हीं के दम पर हो तो उन्हीं आंख नाक कान को आप क्यों अंधेरे में रखे हुए हैं। तो मेरा विनम्रता को निवेदन है कि इस पर विचार करें और ओपीएस लागू करें। मध्य प्रदेश में एक जो बड़ी समस्या है आपको बता दूं, 1998 का 2004 में केंद्र बंद किया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग, यहाँ तो 1998 से शासन बंद कर दिया गया, 20 साल की सेवाएं लोगों को बंद कर दी गई। मैं मुख्यमंत्री जी से एक सवाल पैदा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर आपकी 20 साल सीनियरिटी खत्म कर दी जाए तो मध्य प्रदेश में आप सबसे जूनियर नेता हो जाएंगे, क्या अच्छा लगेगा? ये लाखों लोग जो 98 से कार्यरत है उनकी सेवाएं शून्य कर दिया आपने। तो मैं मांग करता हूँ कि पुरानी पेंशन बहाल हो और प्रथम नियुक्ति से वो चीजें होनी चाहिए, तब मुख्यमंत्री जी अपनी जनता के साथ न्याय कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।